Hello everyone, I'm Dr. Gunjan. I'm practicing as a cornea specialist in Eye7 Lajpat Nagar. Accompanying me is Mr. Jomirul. He's practicing as a contact lens specialist at Eye7 Lajpat Nagar. Today we will be discussing about a problem called Stevens-Johnson syndrome. ये एक एक्सट्रीम टाइप का ड्राइनेस होता है जिसमें पेशेंट्स की विजन भी ड्रॉप हो जाती है, साथ में आँखों का पानी भी बहुत कम हो जाता है. तो ये एक प्रॉब्लम जो है ये स्किन की प्रॉब्लम होती है, जो हमारी जो ड्रग रिएक्शंस होती हैं दवाइयों के साथ कई बारी रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे दाने हो जाते हैं, साथ में हमारे मुंह के अंदर भी ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बॉडी के साथ भी बहुत वीकनेस आ जाती है. तो इसमें काफ़ी टाइम एमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें पेशेंट यूजुअली ICU में एडमिट रहता है काफ़ी टाइम के लिए, और इनका ट्रीटमेंट जो है काफ़ी सारे डॉक्टर के थ्रू करना पड़ता है इमरजेंसी सिचुएशन में. लेकिन आज हम बात करेंगे जो प्रॉब्लम है वो क्रॉनिक स्टेज में, जिसमें स्टीवन-जॉनसन सिंड्रोम में हमारे आगे की जो कॉर्निया होती है उसके अंदर वाइटनेस आ जाती है, साथ में ऊपर की जो लिड्स होती हैं जाने की पलकें उसके अंदर मोटा मोटा सा कलेक्शन हो जाता है स्किन का, जिसको बोलते हैं कैरेटिनाइजेशन. इसकी वजह से हमारी जो आगे की पुतली है वो काफ़ी सफ़ेद हो जाती है, साथ में उसमें छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को आँख खोलने में भी बहुत तकलीफ होती है लाइटों के अंदर, और सेकेंडली उनका विजन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. तो पहला जो हमारा ऑप्शन होता है पेशेंट के लिए, हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज, जिनको बोलते हैं स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज, जिसके बारे में डिटेल में आपको मिस्टर जोमरुल बताएंगे. तो इस टाइप की पेशेंट को, जो SGS पेशेंट होती है, इस टाइप की पेशेंट को हम एक स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस एडवाइस करते हैं. ये बेसिकली कॉर्निया से थोड़ा लार्ज लेंस होती है. एंड ये लेंस हम क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जो SGS पेशेंट होती है ना उसका लीड काफ़ी मोटा हो जाता है, इनर पार्ट अंदर वाला पार्ट काफ़ी राफ हो जाता है. तो कभी जब भी वो ब्लिंक करता है, पलकों झपकता है, उसी टाइम ही वो राफ सरफेस को पुतली के ऊपर राफ करते रहता है, एंड उसमें पुतली का ऊपर वाला जो लेयर होती है एपिथेलियम लेयर, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है. इसमें क्या होती है ना, पेशेंट को ब्लडी विजन हो जाती है, इरिटेशन होती है, लाइट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसको हम फोटोफोबिया बोलते हैं. तो ये लेंस एज ए लेयर काम करती है. वो क्या करती है, पुतली के ऊपर एक लेयर बना दिया एंड लेंस और कॉर्निया के बीच में एक सेलाइन डालते हैं. जैसे ये कॉन्टैक्ट लेंस है, ये होती है स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस, जो लेंस बेसिकली कॉर्निया से थोड़ा लार्ज साइज की होती है. तो ये दो एक लेंस यूज़ करने से पहले एक बार लेंस क्लीन करना होता है. क्लीन करने के बाद लेंस को प्लंजर से यूज करके नॉर्मल जो सेलाइन वाटर होती है, सेलाइन इसमें डाल के हम पेशेंट को लेंस को पहनाते हैं. इसमें क्या होगा, सो लेंस पेशेंट कॉर्निया में पहना, इसके बाद पेशेंट जब भी रब करेगा, जो ब्लिंक जब भी करेगा, तो कॉर्निया में रब नहीं होगा. इसमें कॉर्नियल जो लेयर होती है, एपिथेलियम लेयर होती है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी एंड इसमें विजन क्वालिटी काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा एंड पेशेंट का लाइट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लाइफस्टाइल काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा. तो जैसे आपको मिस्टर जोमरुल ने बताया कि कॉन्टैक्ट लेंसेज, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के लेंसेज होते हैं. ये हमारी जो कॉर्निया है उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जो आगे का हिस्सा है वो, ताकि यहाँ पर हमारी जो पुतली है जो मोटी हो चुकी है वो आँखों को जब बंद करते हैं रगड़े ना, फ्रिक्शन ना करे, इसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम ना आए. तो इसमें हम ये कॉन्टैक्ट लेंसेज काफ़ी पेशेंट्स को देते हैं, जो स्पेशली जब हम देखते हैं पेशेंट के जो लिप्स हैं उनकी हीलिंग नहीं हुई है, या हमारे पास सर्जरी करने के लिए अभी वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट की जो बॉडी है वो हमारे जनरल एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है, तब हम ये पेशेंट्स को लेंसेज का भी हेल्प देते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं इसमें सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या होते हैं. तो सर्जिकल ऑप्शंस में मोस्ट कॉमनली हम जो करते हैं पेशेंट्स के लिए, उसमें होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग, टार्सोरेफी और केराटोप्रोस्टेसिस. तो पहली बात करते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग क्या होता है. एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग एक झिल्ली जैसा होता है, एक लेयर होता है आगे का, जिसमें हम उसके कॉर्निया पे लगाते हैं पेशेंट की ग्लू के द्वारा. उसमें क्या होता है कि कुछ अच्छे अच्छे केमिकल्स होते हैं जो आपकी आँख को अच्छे केमिकल सप्लाई करते हैं, जिससे ऊपर की ड्राइनेस थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है. बट 14-15 डेज़ के बाद ही पेशेंट को ये इम्प्रूवमेंट इफेक्ट समझ में आता है, क्योंकि वो जो झिल्ली है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होती है. इसके ऊपर हम एक लेंस भी लगाते हैं BCL बोल के, जो धीरे धीरे हम उसको 15-16 डेज़ के बाद निकाल देते हैं कॉर्निया के ऊपर से, और कुछ दवाइयाँ जो है पेशेंट की चलती रहती है. सेकेंड ऑप्शन हम डिस्कस करें म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग. म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग एक टाइप ऑफ प्लास्टिक सर्जरी होती है. इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी लिड्स जो है उसमें मोटी हो गई हैं, उनका ऊपर का भाग थोड़ा सा क्लीन करते हैं और वो हम रिप्लेस करते हैं पेशेंट के खुद के लिप की स्किन को निकाल के अंदर के थ्रू, जो उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन या बकल म्यूकोजा, वो ऊपर के लिड्स के ऊपर हम थोड़ा सा लगा देते हैं ग्लू के थ्रू. इससे क्या होता है कि ऊपर की जो लिड्स हैं वो थोड़ी सी यूनिफॉर्म हो जाती हैं और वो कॉर्निया को बार बार नहीं रगड़ती.
इससे क्या होता है कि पेशेंट के जो बहुत सारे लाइट्स के थ्रू जो प्रॉब्लम हो रही है, जिसको फोटोफोबिया बोलते हैं, मतलब पेशेंट आँख नहीं खोल पा रहे, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है पेशेंट की विजन में भी, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होती है टाइम के साथ, और धीरे धीरे वो जो आपका फोटोफोबिया वाला प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंसेज का हेल्प कभी भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। इसी तरह पूरी बॉडी से निकालना बहुत इजी नहीं है। थर्ड होता है केराटोप्रोसेसिस, जिसमें हम यूज़ करते हैं पेशेंट की विजन को इम्प्रूव करने के लिए, बट इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं जो मल्टीपल डॉक्टर्स के थ्रू की जाती है, जैसे सर्जन्स चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट चाहिए, डेंटिस्ट चाहिए, तो इनके लिए हमारे पास मल्टीपल सिंगल सेंटर्स पे होना पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल सेंटर्स जो मल्टी स्पेशलिटी सेंटर्स होते हैं, ये वाले जो सर्जरीज है वहाँ पे किया जाना प्रेफरेबल रहता है। अब फोर्थ होता है टार्सोरेफी। टार्सोरेफी में हम क्या करते हैं, आपकी ऊपर की लिड को कोने में थोड़ा सा स्टिच कर देते हैं, ताकि आपकी आँख में जो काफ़ी फटने का चांस होता है आँखों के कॉर्निया का, वो कम हो जाता है। तो जो आँख की कॉर्निया है वो परफोरेट ना हो, इसके लिए टार्सोरेफी मदद करती है। तो ये सारे हमने सर्जिकल ऑप्शन डिस्कस कर लिए, लेकिन ये सर्जरी का डिसीजन जो है ये सर्जन बनाता है, ये पेशेंट खुद से नहीं डिसाइड कर सकते। आपकी ये जो सर्जरीज हैं इनको डिसाइड करने के लिए हमें मल्टीपल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। मोस्ट कॉमनली जनरल एनेस्थीसिया इसमें यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपका बॉडी का स्वस्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब तक आपको फिजिशियंस क्लियरेंस नहीं देते हैं, आपके स्किन के डॉक्टर्स क्लियरेंस नहीं देते हैं, ये वाली सर्जरीज करना इतना इजी नहीं होता है। अब एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जब पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कर रहे। देखिए, इन केसेस के अंदर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि आपकी लिड्स जो हैं वो काफ़ी थिक हैं। अगर वो हम नया कॉर्निया भी लगाएंगे, वो एक वीक पोर्शन है। अगर हमारे लिड्स उसको बार बार टच करेंगे तो वो जो हमने नया पुतली लगाया है वो भी फटने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए हम उसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट के थ्रू नहीं ट्रीट कर सकते हैं। फोर्थ बात ये आती है कि हम जब देखते हैं पेशेंट्स कहते हैं कि हमारा विजन क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ऊपर की लिड्स हमारी अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, उसके लिए हमें मल्टीपल लिड की सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं। सिर्फ MMG आपको ऑप्शंस नहीं दे सकता, एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हम नहीं लगा सकते जब तक वो लिड मुड़ी भी ठीक नहीं होती। काफ़ी कुछ करने के बावजूद हमारे कुछ पेशेंट्स में हम विजन नहीं दे सकते, इसीलिए कुछ कंडीशंस के अंदर हमें सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें कॉमनली हम करते हैं कॉर्नियल टैटूइंग। कॉर्नियल टैटूइंग में हम आँख के ऊपर के भाग को रंग देते हैं, जिसके तरह आपकी दूसरी आँख के जैसा लगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगता, सिर्फ ऊपर का रंग जो है वो सफ़ेद की जगह काला किया जाता है। अगर आपको कॉस्मेटिकली बेस्ट ऑप्शन चाहिए होता है तो एक ऑप्शन होता है ईविसरेशन, जिसमें हम आँख को निकाल देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक की एक आँख लगाते हैं, ताकि आपकी दोनों आँख समान लगें। काफ़ी कुछ करने के बावजूद आँख छोटी पड़ने का रिस्क कभी भी बन सकता है, और आँखों को फटने का रिस्क कभी भी हो सकता है। इसीलिए आप नियमित तौर पर इसमें चेकअप्स करवाते रहें, और साथ में डर्मेटोलॉजिस्ट और फिजिशियंस को भी दिखाते रहें बीच बीच के अंदर। ये हमारी लड़की है, और इस लड़की को पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और हमने काफ़ी चेकअप करवाए, एम्स में भी किया था, तो डेट पे डेट मिल रही थी। तो फिर हमको किसी ने सलाह दिया कि Eye7 में जाइए, तो फिर हमने यहाँ आकर इस लड़की को दिखाया। तो सारे चेकअप होने के बाद मैम ने बोला कि इसको हर्निया है, तो बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कि दोनों आँखों का ऑपरेशन करना बहुत ही क्रिटिकल था। इस वजह से क्या है कि पहले एक ऑपरेशन एक आँख का किया गया, तो वो सक्सेस हो गया, और उसके बाद दूसरी आँख का चार पाँच महीने के बाद फिर दूसरी का किया, तो दोनों आँखों का ऑपरेशन सक्सेस हुआ, और हम इसको अब फिर दोबारा से यहाँ चेकअप के लिए लेके आए, तो बिल्कुल ओके है और सक्सेस हो गया। बीमारी के बारे में आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, वेबसाइट के ऊपर भी आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइंस हमेशा खुली हुई हैं आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच।